हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है शालू एंड यू आर वॉचिंग शालू ब्यूटी एंड फैशन। सो आज का वीडियो बहुत ही शॉर्ट सिंपल बट बहुत ही मैं बोलूँ क्रिस्प होने वाला है। 2023 में आप कौन कौन से ब्लाउजेस ट्रेंड में रहेंगे विथ नेम मैंने शेयर किया। इंटरेस्टेड हो ये वीडियो चेक करना, आपको ट्रेंड के बारे में नॉलेज होगी। दूसरा मैं आपको बोलूँगी कि हम सबके पास में आउटडेटेड ब्लाउज होते हैं। इनफैक्ट मेरे पास में भी बहुत ज़्यादा आउटडेटेड ब्लाउज थे, तो सारे ब्लाउज को डिस्कार्ड करना नॉट पॉसिबल। तो इसके ऊपर पर्टिकुलर मेरी जितने भी वीडियो है इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको ऐड इसके नहीं आकर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। कुछ दिनों पहले मैंने ये वीडियो शेयर की थी, बिल्कुल आउटडेटेड ब्लाउज को मैंने ट्रेंडी ब्लाउज में कन्वर्ट करा था। अगर आप इंटरेस्टेड हो चेक कर सकते हो। अगर आपके पास बिल्कुल आउटडेटेड आउट ऑफ ट्रेंड ब्लाउजेज है तो उसको अकॉर्डिंग टू ट्रेंड आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो या विदाउट टॉकिंग टू मच लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मेरा ये बहुत ही बेसिक सा ब्लाउज है जिसमें फ्रंट में हुक है, तो मैं क्या कर रही हूँ इसको फोल्ड करके सबसे पहले मैं इसका मिड पोर्शन निकालूंगी ताकि जो लेस मैं लगा रही हूँ वो टेढ़ा या फिर आगे पीछे ना लगे पहनने के बाद में। तो लेस का एक सिरा लेते हुए मैं उसे इन आउट करते हुए इनविजिबल स्टिच जिसे बोलते हैं लेस को हाथों से ही सिलाई कर रही हूँ। यहाँ पे आप सुई धागे का ही यूज करें, मशीन का यूज ना करें। उसके बाद दूसरा सिरा लेके मैंने यू पैटर्न में इसे मैं बना रही हूँ। फिर लेस को मैं आगे लेके आई, जहाँ पे हुक है वहाँ पे भी मैं स्यू कर दी। तो इस तरह से आपको अपने ब्लाउज में लेस जो है चारों तरफ लगाने में पीछे से स्टार्ट करना है। बैक साइड से स्टार्ट करते हुए लेस को यू पैटर्न में मोड़ते हुए जैसे वीडियो में आप देख रहे हो आपको इस तरह से बस स्यू कर देना है एंड आपका जो आउटडेटेड ब्लाउज है ट्रेंडी ब्लाउज में कन्वर्ट हो गया। आपने DIY देखा कैसे इसको बनाना है, बट DIY बनाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ मैंने गलती करी है। मैं हमेशा अपनी गलतियों को आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको दिक्कत ना हो किसी तरह की। वीडियो में सिंपली मैंने एक लेस का टुकड़ा यहाँ पे अटैच करा, ये देखो अटैच करा आप देख रहे हो। बट मैंने क्या करा था, आपने वीडियो में देखा होगा कि मैंने फ्रंट में भी इसको लगा दिया था, बट मुझे याद ही नहीं था कि फ्रंट में तो मैं इसको खोल के पहनूंगी तो वो लेस की वजह से ये खुलेगा ही नहीं। अभी जब मैं वीडियो शूट करने जा रही थी मैंने इसको खोल के जब पहना मुझे लग रहा है अरे ये खुल क्यों नहीं रहा। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ पे मैंने जैसे इस तरह से करके यहाँ पे लेस अटैच किया था, ये देखो यहाँ पे इस तरह से लेस अटैच किया था एंड यहाँ पे इस तरह से लेस अटैच किया था, तो ये खुलेगी कैसे, ये खुलेगी ही नहीं। बट अगर आपके ब्लाउज में बैक में हुक है तो बहुत इजीली आप दोनों तरफ मीन्स फ्रंट में और बैक में लगा सकते हो, इस तरह की ट्राई कर सकते हो इस तरह की मोटिव्स को। बट सिर्फ अगर फ्रंट में अगर आपका हुक है मेरी ब्लाउज की तरह तो सिर्फ बैक में ये वर्क करेगा, सामने में वर्क नहीं करेगा। तो ये मेरे से गलती हुई, मैंने आपको बताया। इस तरह से आप अपने पुराने देखा ना, बहुत ईजी विद इन 2 मिनट्स आप बना लोगे, बहुत ईजी है इसे बनाना, प्लीज़ ट्राई करना। सो ये भी एक बहुत ही बेसिक सा ब्लाउज है, बहुत ही बेसिक सा। तो ये मैंने बहुत दिमाग लगाया, बहुत सारे डिज़ाइन देखे तो मुझे सबसे सुइटेबल यही लगा। तो मैं क्या करूँगी, नीचे से आपको ब्लाउज में जितने हुक है 3 से 4 हुक आपने छोड़ देना, जितना डीप पहनने में आप कंफर्टेबल हो। तो यहाँ नीचे से मैं 3 हुक को छोड़ते हुए पान की शेप में इसे फोल्ड कर रही हूँ। आप ये देखो, बस मैंने ऊपर का 4 हुक छोड़ के जो भी फोल्डिंग में था मैंने फोल्ड कर दिया। तो इस तरह से एक वी पैटर्न क्रिएट हो रहा, क्योंकि इन दिनों इस तरह के पैटर्न बहुत ज्यादा ट्रेंड में है एंड मैं ट्रेंड के अकॉर्डिंग कुछ बनाना चाहती थी। नाउ शोल्डर के पास से बहुत ही वाइजली आपने थोड़ा सा हिस्सा लेना है एंड उसको मोड़ना है। ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा बना है ये ब्लाउज। उसके बाद में दोनों साइड में मैंने कर दिया। अब यहाँ पे आपको सुई धागे से हेम करना है, जैसे हम गले में हेम करते हैं ना, ताकि कुछ भी जो सिला हुआ पार्ट है वो दिखे ना, बहुत ही फटाफट ये बन जाएगा। तो हेम करने के बाद में कुछ इस तरीके का ये लग रहा था, बट गला मैंने बहुत डीप रखा था। सो इसको एक डिजाइन देने के लिए मैंने पहन के देखा, दोनों तरफ चौक से मार्क कर लिया। अब यहाँ पे मैं एक नेट का टुकड़ा लेते हुए इसे सिलाई करूंगी। ये ब्लाउज बहुत पुराना है स्टिल। बात करती हूँ आपने इसमें क्या गलती हुई, इसके बाद मैं आपको इसका स्टाइलिंग पार्ट दिखाऊंगी। प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगी कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे क्या फॉल्ट है। जब आप बनाने बैठोगे फिर आप मुझे मन मन में 10 गालियां दोगे, तो इससे अच्छा है कि आप पहले सुन लो मेरी बात को। अभी हम ट्रेंडी ब्लाउज के बारे में सोचते हैं, साइड में हुक या जिप लगवाते हैं, बैक में हुक लगवाते हैं, बट पहले के मेरे जितने भी ब्लाउजेस हैं मोस्ट ऑफ द ब्लाउजेस फ्रंट हुक है। तो मैंने क्या करा, इसको मैंने इस तरह से मोड़ के बिल्कुल डीप वी नेक प्लंज नेक में इसे कन्वर्ट करा, क्योंकि इस तरह का बहुत ट्रेंड में है एंड इट्स वीडियो का टॉपिक ये है कि ट्रेंड के अकॉर्डिंग आप ब्लाउज को कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। ये जो अगर आपके बैक में हुक है तो ये आप दोनों तरफ से सिक्योर कर सकते हो, देखो इधर भी एंड इधर भी, बट मेरा फ्रंट हुक का था
तो ये पोर्शन मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने स्टिच नहीं करा क्योंकि मैं स्टिच कर देती तो फिर ये खुलता नहीं, आप समझ रहे हो ना, ये स्टिच हो जाता अगर तो ये खुलता नहीं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, चिट बटन लगा सकते हो यहाँ और यहाँ, पहनने के बाद इसे सिक्योर कर दो। तो बहुत मुश्किल नहीं है चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग मैं बोलूँ कि थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के आप चीज़ों को यूज़ कर पाओ, बहुत मुश्किल नहीं है अगर आप यूज़ टू हो जाओगे ना। जैसे मैं यूज़ टू हो गई तो कुछ ना कुछ आइडिया मेरे दिमाग से निकलते रहते। इनफैक्ट आप देखोगे, मैं अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, बट मैं बहुत बहुत कम कभी ऐसा होता है कि कोई हैक है जो ऑलरेडी यूट्यूब पे है एंड वो मैं शेयर कर रही हूँ। मोस्ट ऑफ द हैक मेरे खुद के होते हैं, मैं खुद के हैक अपने शेयर करती हूँ कि मैं दिन में 10 वीडियो भी डाल सकती हूँ, इतनी यूज टू हो गई हूँ मैं। बट कभी कभी डिमोटिवेशन होता है, अरे यार इतनी व्यूज़ नहीं आ रही, मतलब दिस काइंड ऑफ फीलिंग आ जाती है आपके अंदर। तो यहाँ पे आप देखो, चिट बटन वाला आइडिया बिल्कुल नया है, आप ट्राई करना। मतलब अगर एक तरफ से यहाँ पे, तो यहाँ पे चिट बटन लगा देना एंड आप इस तरह से सिक्योर कर सकते हो, तो आपका जो ब्लाउज है वो बिल्कुल मॉडर्न वे में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि इसका पार्ट 2 आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। सो यार, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। टिल देन बी हेल्दी, बी हैप्पी, टेक केयर एंड बाय बाय, लव यू ऑल।